वाइज वी विल स्टडी मेजर ओपिनियन अबाउट शेक्सपियर। देखिए जो शेक्सपियर पर जो क्रिटिसाइज हुआ है, जो विभिन्न राइटरों ने उस पर जो क्रिटिसाइज किया है, किन किन राइटरों ने क्रिटिसाइज किया है, टीजीटी और पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट इन द प्रीफेस टू शेक्सपियर में डॉक्टर जॉनसन ने राइट किया है, क्या करा है राइट उन्होंने, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है उनके बारे में, द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर लाइज इन द फैक्ट दैट द प्रेजेंट लाइफ एज इट इज। देखिए डॉक्टर जॉनसन ने उनके बारे में प्रेज किया, प्रशंसा की है कि शेक्सपियर की सबसे बड़ी विशेषता थी उसने जैसा उस समय का समाज था ऐसा ही बिल्कुल प्रस्तुत किया है हमारे सामने। देखिए हमारा जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर का मतलब ये होता है कि उस समय का जो समाज है उसको हम एज इट ही प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी कोटेशन है, द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर लाइज इन द फैक्ट दैट द प्रेजेंट लाइफ एज इट, जैसा जीवन था उस समय तो उसने अपने नाटकों में बिल्कुल सेम उसको ही प्रकट किया है। दूसरा उन्होंने कहा है शेक्सपियर वॉज द यूनिवर्सिटी विस्ट, कि शेक्सपियर जो थे वास्तव में सच्चे जीनियस थे, सच्चे वास्तव में सच्चे विद्वान थे शेक्सपियर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बेन जॉनसन ने भी कहा इस बात को, और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा लिटरेचर को जो है कंपोज किया है, राइट किया है, तो ये मानना पड़ेगा कि शेक्सपियर वास्तव में बहुत बड़े जीनियस थे। नेक्स्ट देखिए बेटे इसमें विलियम जे लॉन्ग, अब देखिए विलियम जे लॉन्ग ने क्या कहा है शेक्सपियर के बारे में, ये कह रही है द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट कहा है इन्होंने भी कि शायद प्रकृति ने ऐसे व्यक्ति को पहले उपस्थित होया हो इस संसार में, अर्थात ये कह रहे हैं कि संसार में पहला व्यक्ति था जिसने इतना सुंदर लिटरेचर को जो है कंपोज किया है इस पृथ्वी पर। देखिए नेचर का मतलब यहाँ पृथ्वी से है कि इस पृथ्वी पर शायद अभी तक जो है कोई भी ऐसा जीनियस पैदा नहीं हुआ जितना जीनियस शेक्सपियर। बहुत ही अच्छा, वेरी बहुत ही अच्छा लिखा है विलियम जे लॉन्ग ने। विलियम जे लॉन्ग ने इनके जो वर्क है उसको क्लासीफाई भी किया है, फोर पार्ट में क्लासीफाई किया है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको। नेक्स्ट इनके बारे में जो बताया है बेन जॉनसन, देखिए बेन जॉनसन भी बहुत बड़े प्रशंसक थे शेक्सपियर के। तो बेन जॉनसन कह रहे हैं नॉट ऑफ एनी एज, बहुत ही अच्छा कह दिया इन्होंने, नॉट ऑफ एनी एज बट ऑफ ऑल एज, ये तो कह रहे हैं कि आगे भी पैदा नहीं होगा ऐसा आदमी, बट ऑल ऑफ एज हिज विट वॉज हिज ओन पावर, वुड द रूल ऑफ इट हैड बीन सो टू, अर्थात जन्म जन्म आगे जो जितने भी राइटर होंगे उनमें शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर की जो पावर है, शेक्सपियर का जो लिटरेचर है वो उस पर शासन करता रहेगा, अर्थात जो शेक्सपियर ने लिखा है वो अनंत काल तक बच्चों के द्वारा जो है उस पर स्टडी, उस पर थीसिस, उस पर शोध जो है चलते रहेंगे। बहुत ही अच्छा बेन जॉनसन ने इनके ऊपर लिखा है। देखिए बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा है बहुत ही अच्छा, इस पर आ जाता है, देख साउल ऑफ द एज आई अप्लाउज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, अरे स्टेज का तो वो मास्टर था। बहुत ही अच्छा कह दिया कि साउल ऑफ द एज द अप्लाउज, अप्लाउज कहते हैं प्रशंसा करना, कि मैं उसके शेक्सपियर की जो है प्रशंसा करता हूँ, द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, उसने हमारे जो स्टेज पर जितना जो है दिया है उसे सारे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया है उस समय जो है शेक्सपियर ने ऐसा लिख दिया है। बहुत ही अच्छा जो है ये भी प्रशंसा करी है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है ही न्यू लिटिल लैटिन ए लेस ग्रीक, ये भी देखिए टीजीटी में आया हुआ है कि यह
जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कही है कि ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि वह तो थोड़ा सा जो है लैटिन का और ग्रीक का ज्ञान रखता था, फिर भी उसने इतने बड़े साहित्य की रचना कर दी। ये तो वास्तव में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये लाइन आई भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर दूसरा उन्होंने लिखा है, देखिए बेन जॉनसन ने लिखा है इसमें भी कि आई लव द मैन एंड डू ऑनर्स हिज मेमोरी, कि मैं तो उस आदमी को प्रेम करता हूँ और उसे पूरा सम्मान देता हूँ, उसकी मेमोरी को उसको मैं सम्मान देता हूँ। मेमोरी का मतलब है जो भी उसने जो लिटरेचर लिखा है मैं उसका सारे का सम्मान करता हूँ। देखिए बेन जॉनसन जो है इसका बहुत बड़ा एक प्रशंसक था। तो इसमें से बहुत सारे जो है ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं बेन जॉनसन की। तो ये देखिए बहुत सारी कोटेशन है हमारी जो जो बताई गई है। नेक्स्ट बताई गई है देखिए इसमें हिजलिट। अब देखिए हिजलिट ने क्या लिखा है उनके बारे में, हिज करेक्टर आर रियल बीइंग फ्लैश एंड ब्लड, दे स्पीक लाइक मैन नॉट लाइक ऑथर। बहुत ही अच्छा कह दिया है हिजलिट ने भी। देखिए हिजलिट ने भी बहुत ही अच्छा कहा है, HIHLIT हिजलिट, ये थोड़ा सा मिट गया से देख लीजिए, हिजलिट ने भी बहुत अच्छा कहा है HIS हिज लिट LIT हिज लिट ने भी बहुत ही अच्छा उनके बारे में कहा है। क्या कहा है कि उसने जो अपने जो कॉमेडीज थे जो ड्रामास थे उसमें जो है देखिए शेक्सपियर के जो ड्रामास है ज्यादातर मर्डर ब्लड की बात करते हैं हम, जैसे हेमलेट में मर्डर हुआ है, फ्लैश मर्डर की बात करते हैं, खून खराबे की बात करते हैं, दे स्पीक लाइक ए मैन नॉट एन ऑथर, उसने बिल्कुल ऐसे व्यक्त किया है जैसे वास्तव में जो है वे लोग कर रहे हैं। जब हम हेमलेट को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि जो है कोई ये फैंटेस्टिक कोई अलग है, हमें लगता है कि वास्तव में ये ऐसा घटित हो रहा है, वास्तव में ऐसी घटना जो है घटित हो रही है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है दर्शाया गया है इसमें जो है हिजलिट के द्वारा भी। फिर देखिए नेक्स्ट होता है अलेक्जेंडर पोप। अब अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा है उनके बारे में देखिए, बट इवन द सिंगल करेक्टर इन द शेक्सपियर इज एज मच एज इंडिविजुअल एज दोज लाइफ, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी ऑफ द लाइक। अर्थात जो अकेले शेक्सपियर ने जो उसके करेक्टर थे ऐसा व्यक्त कर दिया है कि उसे जो है वास्तव में और किसी के जो है बस की बात नहीं थी। बहुत ही अच्छा अलेक्जेंडर पोप ने भी उनके बारे में कहा है। रिलेग ने उनके बारे में देखिए क्या कहा है, द ट्रेडिशन ऑफ जेंटिलिटी किलिंग टू हिज नेम लाइक ए फेडेड परफ्यूम। ये कह रही है कि जो ट्रेडिशन ऑफ जेंटिलिटी है उनकी विनम्रता है उनका ज्ञान जो है वो हमेशा बना रहेगा, उनका नाम हमेशा जो है परिचित रहेगा, कभी भी फेडेड जो है नहीं होगा, हमेशा उनका जो है नाम चलता रहेगा। जॉन ड्राइडन ने देखिए बहुत अच्छा कहा है, ये कोटेशन आई वी भी है, जॉन ड्राइडन की जो है TGT में आया हुआ भी है। जॉन ड्राइडन रोट इन हिज एसे, देखिए ऐसे जो है जॉन ड्राइडन ने अपना एक ऐसे लिखा था, ड्रामेटिक पोएट एक ऐसे लिखा था, तो उस ऐसे में जो है इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, इफ आई वुड कंपेयर हिम, यदि मैं उसकी तुलना करता हूँ, अर्थात बेन जॉनसन से तुलना करना चाह रहे हैं जॉन ड्राइडन। देखिए क्रिटिसाइजर भी है ड्राइडन, तो उनके बेन जॉनसन से तुलना करना चाह रहे हैं शेक्सपियर की, आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर करेक्ट पोएट बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट, अर्थात शेक्सपियर जो है उससे भी अधिक महान था। किससे अधिक महान था, बेन जॉनसन से भी अधिक महान था, उसकी बुद्धिमत्ता उसके नॉलेज जो है बेन जॉनसन से भी अच्छा महान कवि था शेक्सपियर।
शेक्सपियर द ग्रेटर विच शेक्सपियर वॉज द होमर और द फादर ऑफ ए इन ड्रामेटिक पोएट जॉनसन वॉज वर्जिल। बहुत ही अच्छा, देखिए कह दिया है यहाँ पर इन्होंने भी जो है उसकी प्रशंसा करी है बेन जॉनसन शेक्सपियर की जो है। देखिए ये कोटेशन जो है कई बार आई वी है, ये जो कोटेशन है आई वी भी है ये वाली, आई एडमायर हिम। देखिए हिम का मतलब यहाँ जो है किससे है, देखिए ये आ सकता है पर कई बार आया कि देखिए कहने वाला तो इसमें हमारा कौन है, डॉक्टर जॉन ड्राइडेन है। अब किसके बारे में कह रहे हैं, वे जॉनसन के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ जो हिम है, जो हिम आया हुआ है यहाँ पर, ये जॉनसन है यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा आई एडमायर जॉनसन, मैं जॉनसन की प्रशंसा करता हूँ, बट लव शेक्सपियर, लेकिन प्रेम जो करता हूँ, सच्चा जो प्रेम करता हूँ वो मैं शेक्सपियर को ही करता हूँ। तो ये देखिए कई बार ये आया हुआ है क्वेश्चन बेटे कि हिम का यहाँ पर जो मतलब जो है क्या है, तो हिम का मतलब यहाँ जॉनसन से है। देखिए नेक्स्ट क्या कहा है, ये भी जॉन ड्राइडेन का ही लिखा हुआ है। शेक्सपियर वॉज द पोएट ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स द एंशिएंट पोएट हैड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल। देखिए फिर यहाँ पर जो है फिर प्रशंसा करी गई है, जो है यहाँ पर फिर प्रशंसा करी गई है जॉन ड्राइडेन ने जो है शेक्सपियर की प्रशंसा करी है यहाँ पर, कि कह रहे शेक्सपियर वॉज द पोएट ऑफ ऑल मॉडर्न, कि मॉडर्न जितने भी कवि है शेक्सपियर उनमें सब में सर्वश्रेष्ठ था, एंड परहैप्स द एंशिएंट पोएट, और जो जितने भी हमारे प्राचीन काल के जो पोएट हुए हैं उनमें भी शेक्सपियर सबसे महान ही है। तो देखिए कितनी भूरी भूरी प्रशंसा जो है डॉक्टर जॉनसन ने जो है शेक्सपियर की करी है। देखिए ये कोटेशन आई हुई है, मिल्टन वाली कोटेशन देखिए टीजीटी में आई हुई है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हीरो ऑफ फेम। अर्थात देखिए मिल्टन ने जो है शेक्सपियर के बारे में कहा कि डियर सन ऑफ मेमोरी, अरे वो तो मेमोरी का जो है सन था, ग्रेट हीरो ऑफ फेम, अरे ख्याति का भी, वो तो जो है ख्याति का भी एक महान आदमी था कि उसने इतनी अच्छी अच्छी जो है टेम्पेस्ट जैसे, ओथेलो जैसे, ऐसे अच्छी अच्छी उसने जो है ड्रामे जो है ये लिख दिए जो है, आज भी जो है इन पर बहुत सारी मूवीज़ भी जो है बन रही है। तो मिल्टन ने भी देखिए शेक्सपियर की प्रशंसा ही करी है। ग्रीन रोट अबाउट शेक्सपियर के बारे में लिखा है इन द पंपलेंट अबाउट द जेलेसी, उन्होंने क्या है टाइगर हार्ट, उसके अंदर तो टाइगर हार्ट था, रेप्ड इन द प्लेयर्स साइड, रेप्ड लपेटे हुए थे उसने जो है प्लेयर को जो है पीछे अपने रखा हुआ था। अब देखिए ग्रीन ने यहाँ पर जो है उन पर अक्यूज कहते हैं दोष लगाया जाता है यहाँ पिलग्रिम्स में, कि एन अपस्टार्ट क्रॉप ब्यूटिफुल हिमसेल्फ विद अवर विंग्स, ये कई बार देखे आता है एन अपस्टार्ट क्रो, कि एक नया जो है कहते हैं नया आदमी था, नया उड़ना सीख रहा था वो, तो उसे अपस्टार्ट क्रो की संज्ञा दी गई है किसके द्वारा, ये कई बार देखिए पूछ लिया जाता है अपस्टार्ट क्रो किसे कहा जाता है, ये भी आ सकता है। देखिए अपस्टार्ट क्रो किस राइटर को कहा जाता है ये भी आ जाता है, अपस्टार्ट क्रो ये भी कई बार जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट गोथे प्रेज शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ यूर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। बहुत अच्छी गोथे ने इसकी प्रशंसा करी है शेक्सपियर की, कि मुझे ध्यान नहीं है कि कोई बुक और पर्सन जो है और कोई घटना जो है मेरे जीवन में इतनी महान और मुझ पर इतना इम्प्रेशन करा हो जितने कि शेक्सपियर के प्ले ने मेरे पर जो है इतना जो है अधिक मुझे इम्प्रेस किया है। तो यहाँ पर भी देखिए गोते के द्वारा जो है शेक्सपियर की भूरी भूरी प्रशंसा करी गई है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कह रहे हैं शेक्सपियर के बारे में, देखिए
ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। बहुत ही अच्छी कोटेशन है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि ही फाउंड इंग्लिश डायलैक्ट, उसने इसे डायलैक्ट में पाया था। डायलैक्ट कहते हैं बोलचाल की जो भाषा होती है, डायलैक्ट बोलते हैं उसे। एंड लेफ्ट इज ए लैंग्वेज, और इसे लैंग्वेज में इसने कन्वर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है या ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, ही फाउंड इंग्लिश से डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी इसे छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा जो है कहा है ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। कॉलेज लाइज ने इसकी क्या प्रशंसा करी है, देखिए शेक्सपियर की जो है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस आवर मेरिड माइंडेड शेक्सपियर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ये भी कहा है कॉलेज राइज ने कि द ग्रेटेस्ट जीनियस, सबसे अधिक महान, दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर, शायद ही संसार में ऐसा कोई पैदा हुआ हो, हैज येट प्रोड्यूस, पैदा हुआ हो, और माइरिड, माइरिड कहते हैं अनंत माइंडेड ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के अंदर तो अनंत बुद्धि थी, उसकी हम किसी से तुलना जो है नहीं कर सकते हैं। ये लाइन भी आ जाती है कई बार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और माइरिड माइंडेड ऑफ शेक्सपियर, कहीं से भी देखिए कोई भी लाइन, पूरी कोटेशन ना देगा कहीं पर जो है, देखिए चकराने के लिए हमें जो है आधी कोटेशन देता है, तो हमें उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पूरे को हमें याद करना है उसको। और देखिए याद करने के लिए रटी नहीं जा सकती जब तक इनका हमें अर्थ क्लियर नहीं पता होता है, हमें सभी कोटेशन का जो है अर्थ क्लियर पता होना चाहिए। देखिए कार्ले ने जो है क्या कहा है, कार्ले राइटर जो है वे क्या कह रही है इसके बारे में, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट थिंग्स वी हैव येट डन, इंडियन एम्पायर विल सो इट एनी रोट सम डे, बट दिस शेक्सपियर डज नॉट गो, ही लास्ट फॉर एवर विद अस, वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर। देखिए ये जो है, इसे शायद भारत के बारे में, लिटरेचर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था जो है, इसलिए शेक्सपियर की केवल प्रशंसा ही कर रहा है इसमें जो है, कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट थिंग, शेक्सपियर संसार में सबसे महान कह रहा है वो, वी हैव येट डन, इंडिया एम्पायर, जो इंडिया के जो राजा है, विल गो एट एनी रोट, जो लिख रहे हैं भारत में, जो लिखा जा रहा है समडे, बट दिस शेक्सपियर डन नॉट गो, ही लास्ट फॉर यूवर, कि वो भारत में जो लिटरेचर है वो जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन शेक्सपियर के जो द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर है वो अनंत काल तक जो है जीवित रहेगा। हो सकता है देखिए इन्हें जो है कार्ले साहब को भारत के लिटरेचर के बारे में ज्ञान ना हो, भारत में तो अच्छी अच्छी जो है, बहुत अच्छी अच्छी लिटरेचर जो है लिखी गई है, जब तो शेक्सपियर ने लिखना भी स्टार्ट नहीं करता उससे जो है, हमारे यहाँ तो जो है कवि कालिदास जैसे जो है राइटर हुए, जिन्होंने मेघदूत जैसी रचना को जो है रचना करी है, मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रचना है कवि कालिदास की, तो उस समय तो शेक्सपियर पैदा भी नहीं हुए थे, तो ऐसी बात नहीं है। भारत में भारत का लिटरेचर जो है बहुत ही रिचेस्ट है, लेकिन हम उसे महत्व जो है नहीं देते। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड बाई हिज कॉन्टेम्परेरीज, देखिए शेक्सपियर के उस समय कॉन्टेम्परेरीज हुए, समकालीन उसके राइटर हुए, उन्होंने उसे किस वर्ड से जो है पुकारा है, ये इंपॉर्टेंट हो सके। वीटी, कुछ लोगों ने इसे वीटी कहा है, कुछ लोगों ने स्वीट कहा है, कुछ ने फ्री कहा है, कुछ ने उसे जेंटल कहा है, ये उस समय के जो है कंटेम्प्रेरीज जो राइटर हुए उन्होंने जो है शेक्सपियर की जो है प्रशंसा करी है। देखिए नेक्स्ट देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब क्या कह रहे हैं, देखिए शेक्सपियर के बारे में ये कोटेशन देखिए टीजीटी में आई हुई है ऑलरेडी, अदर से वाइड अवर क्वेश्चन द व्हाट फ्री वी आस्क कैन आस्क द स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, देखिए ऑलरेडी आई हुई है ये कोटेशन जो है टीजीटी में आई हुई है कोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, ऐसी ऐसी कोटेशन कई बार पूछ ली जाती है कि अदर से वाइड अवर क्वेश्चन, दूसरे तो हमारे क्वेश्चन का जो है
सामना करते हैं, दाव आट फ्री लेकिन तुम तो आजाद हो, वी आस्क एंड आस्क, मैं तुमसे क्या पूछ सकता हूँ। मैथ्यू आर्नोल्ड भी जो है शेक्सपियर की प्रशंसा कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्रोनिंग क्या कह रहे हैं शेक्सपियर के बारे में, देखिए, शेक्सपियर टू सच नेम्स सराउंडिंग व्हाट सक्सीड फिडली एज द साइलेंस, कि संसार में जो है जो शेक्सपियर का जो नाम है वो तो चारों तरफ जो है उसकी जो 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 उसकी ख्याति है, जो उसकी सक्सेस है, वो तो चारों तरफ फैली हुई है और सब शांत है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये भी कोटेशन देखिए कहा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, जो है शेक्सपियर की यहाँ पर प्रशंसा करी गई है। ए सी स्वीन बार्न ने क्या कहा है देखिए शेक्सपियर के बारे में, व्हाट पावर इज इन देम ऑल द प्रेज द सन, कि व्हाट पावर इज द देम ऑल द प्रेज इन द सन, कि संसार में जो है सबसे अधिक प्रशंसनीय यदि कोई राइटर है तो शेक्सपियर ही है। हिज प्रेज इज हिज कैन बी प्रेज ऑफ नन, और उसकी जो ख्याति है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, अर्थात उसे अनंत काल तक हम जो है याद करते रहेंगे। अब देखिए ये कई बार लाइन पूछ ली जाती है, पूछी गई भी है लाइन, आखिर ये लाइन कहाँ पर लिखी हुई है, ये लाइन जो है कहाँ पर लिखी हुई है या किसके द्वारा जो है इस लाइन को लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी जो है यहाँ पर जो है ये कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर ब्लिस्ट बी ये मैन येट स्पॉन्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ट बी द येट मूव माई बोन्स। देखिए ऐसा कहा जाता है जब शेक्सपियर जो है मरने से पहले उन्होंने ये कह दिया था कि मेरी कबर पर, ग्रेव बोलते हैं कबर को, कि मेरी कबर पर जो है जो ग्रेव कहते हैं कबर, ग्रेव बोलते हैं कबर को, कि मेरी कबर पर जो है ये पत्थर में जो पत्थर लगेगा उसमें जो है ये आपको जो है उसमें लिखना है, क्या लिखना है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, जीसस का सच्चा दो सच्चा तो मैं रहा, मैंने जीसस भगवान की जो है सच्चा मेरा, सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट, लेकिन मैं तो आज जो है इस मिट्टी में जो है दफना दिया गया हूँ, मेरे चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, मैं तो जो है भगवान ने अब मेरा समय जो है पूरा हो गया और मैं यहाँ पर जो है दफनाया जा चुका हूँ। ब्लिस्ट बी ये मैन यट स्पाउस दीज स्टोन्स, और मैं इस पत्थर के चारों तरफ, मेरे चारों तरफ जो है पत्थर लग गए हैं, मैं इन चारों तरफ पत्थर के बीच में हूँ और निकल भी नहीं सकता इसमें से जो है, एंड कर्स बी येट मूव माई बोन्स, और यहाँ से मेरी जो हड्डियाँ हैं वो उनका सांप जो है वो दूर हो गया है और मेरी हड्डी जो है अब यहाँ से जो है मेरी आत्मा जो है वहीं रहेगी, यहाँ से जो है नहीं निकल सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए कोटेशन जो है, ये लाइन जो पत्थर इसके जो है शेक्सपियर की कबर पे लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।